हेलो हेलो एवरीवन, दिस इज़ एडवोकेट राधिका शर्मा इंटर्नी विद लेक्सिस एंड कंपनी। एंड आज का जो हमारा टॉपिक है वीडियो का इज़ ग्राउंड्स क्या हैं, अगर हमें डिवोर्स लेना है तो हम किन ग्राउंड पे अंडर हिंदू मैरिज एक्ट हम लाइक एज अ हिंदू हम किन ग्राउंड्स पे डिवोर्स ले सकते हैं। सो देर आर सम लाइक फॉलोइंग आर जो ग्राउंड है एंड जो ये प्रोविज़न है ये मेंशन है सेक्शन 13 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट 1955 में। एंड लाइक लिस्ट है ग्राउंड्स की जिन पे लाइक डिवोर्स कैन बी ऑप्टेन और डिवोर्स कैन बी ग्रांटेड। तो द फर्स्ट जो ग्राउंड है इज़ अडल्ट्री। इन हिंदू मैरिज एक्ट अडल्ट्री इज़ कंसिडर्ड एज मैट्रिमोनियल ऑफेंस इन विच ईदर ऑफ द स्पाउस आर इन्वॉल्व इन सेक्सुअल रिलेशनशिप विद एनी पर्सन अदर देन स्पाउस। एंड द सेकेंड ग्राउंड इज क्रुएल्टी। जो क्रुएल्टी है कंप्राइजेज ऑफ बोथ फिजिकल हो या फिर मेंटल क्रुएल्टी हो। फिजिकल क्रुएल्टी मीन्स कि व्हेन वन स्पाउस कॉज लाइक बॉडीली इंजरी हो एंड कि मारा पीटा है ऑब्वियसली डोमेस्टिक वायलेंस टू अदर स्पाउस इट इज़ टू आइडेंटिफाई। एंड मेंटल क्रुएल्टी इज वन लाइक मोर हार्श एंड डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई कि लाइक मेंटल टॉर्चर कर रहे हैं कि मेंटल क्रुएल्टी इफेक्ट्स द हेल्थ ऑफ द पर्सन टू हूम मेंटल क्रुएल्टी हैज़ बीन कास्ट। एंड लाइक देर आर सम मेंटल क्रुएल्टी के जो कॉज हैं कि किन बेसिस पे क्या किन बेसिस पे वो जो ग्राउंड है वो एप्लीकेबल हुआ इज़ हाउ मेंटल क्रुएल्टी इज़ कॉज टू हस्बैंड बाय वाइफ। फर्स्ट इज कोई भी फॉल्स एलिगेशन लगा रहे हो उनके करेक्टर पे या किसी चीज़ पे, कॉन्स्टेंट डिमांड कर रहे हैं ऑफ मनी की या डाउरी की। एंड वाइफ लिविंग इमोरल लाइफ एंड वाइफ इल ट्रीटेड हस्बैंड्स पेरेंट्स एंड फैमिली। द थिंग इज एंड द नेक्स्ट इज हाउ मेंटल क्रुएल्टी इज कॉज्ड टू वाइफ बाय हस्बैंड। तो लाइक इम्पोर्टेंसी ऑफ हस्बैंड की, हस्बैंड डिमांडिंग डाउरी, हस्बैंड फोर्सिंग वाइफ टू अबॉर्ट करे चाइल्ड, हस्बैंड लिव्स इन लाइक एन इमोरल लाइफ। तो ये जो ग्राउंड्स हैं ये अंडर क्रुएल्टी आते हैं, तो इनके बेसिस पे आप डिवोर्स ऑब्टेन कर सकते हैं। द थर्ड जो ग्राउंड है ऑफ डिवोर्स ऑब्टेन करने का इज डिजर्शन। इसमें व्हेन वन स्पाउस विदाउट एनी रीजन एंड विदाउट कंसेंट अबैंडन द अदर स्पाउस एंड विद एन इंटेंशन ऑफ नॉट कमिंग बैक, दिस इज़ नोन एज डिजर्शन। इफ़ टू ईयर्स हैव पास्ड ऑफ डिजर्शन एंड इट बिकम अ वैलिड ग्राउंड ऑफ डिवोर्स। द फोर्थ इज कन्वर्जन। इफ एनी ऑफ टू स्पाउसेज वन स्पाउसेज चेंज रिलीजन देन द अदर स्पाउस कैन गो टू कोर्ट टू गेट डिवोर्स। एंड द नेक्स्ट इज इंसैनिटी। इंसैनिटी लाइक इज अ कंडीशन विद द पर्सन बिकम्स अनसाउंड। इंसैनिटी बिकम्स ग्राउंड ऑफ डिवोर्स व्हेन इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर द स्पाउस टू लिव विद दैट स्पाउस हु इज सफरिंग फ्रॉम मेंटल डिसऑर्डर। एंड ऐसे ही ऐसे बहुत सारे ग्राउंड हैं जो कि हम आगे नेक्स्ट वीडियो में लाइक डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू एवरीवन, प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू।